ताली बजा दीजिए।
सबसे पहले सबों को जय सु। आज एक्का परिवार में हम इस नव निर्मित भवन के आशीष के उपलक्ष में उनके आमंत्रण पर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों को इस आशीष के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस नए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप बिशप थियोडोर मस्करनस हमारे साथ हैं। मैं यहाँ की स्थानीय कलीसिया की ओर से और एक्का परिवार की ओर से इस मिशा समारोह में भाग लेने के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ आप सबों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। साथ ही साथ हमारे बीच फादर आसिफ टुप्पो जो कि ऋषभ स्वामी के सेक्रेटरी हैं, वो भी साथ में हैं। साथ ही फादर वाल्टर पिलन किस्पोटा, वे उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, वो भी साथ में हैं। और मैं फादर विनय क्रिकेटा, मैं भी साथ में हूँ। और मैं आप सभी क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, बच्चे बच्चों सबों का मैं इस विवाह समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस सब के साथ में मैं आज के विवाह पूजा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आज के मुख्य अनुष्ठाता सहायक बिशप बिशप थियोडोर मस्करनस को आमंत्रित करता हूँ। आज की मिशा के मतलब है आज अपने नवनिर्मित घर की आशीष के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी असीम अनुकंपा से इस घर का निर्माण पूरा कर पाए हैं। इसमें कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मियों को ईश्वर सुस्वस्थ और कुशल मंगल रखे। आगे भी ईश्वर की दया और अनुग्रह एक्का परिवार पर बनी रहे। साथ ही बेटी नूतन अनुपमा एक्का के जन्मदिन पर पिता ईश्वर उन्हें अपने आशीषों से भर दे, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे ताकि उनका जीवन उज्जवल में सफल रहे। इसके लिए पवित्र मिस्सा रफायल एक्का के परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम यीशु कृष्ण की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके एक्का परिवार के सदस्यों, जब भी हम एक नया घर का उद्घाटन करते हैं उसमें प्रभु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, एक बड़े खुशी का दिन है। इसलिए खुशी का दिन नहीं कि एक घर बना सके हम, एक घर उत्पन्न कर पाए हम, इसलिए नहीं। इसलिए खुशी का कि जितना हम परिश्रम किया है, पसीना बहाया, परेशानी उठाए हैं, उसका फल हमारे आंखों के सामने। और इसलिए हम एक्का परिवार को, विशेष करके उनके माता और अनुपमा को जो अपने जन्मदिन मनाए, बधाई देते हैं। साथ साथ जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इनके पास ये बड़ा वरदान किया है, तो धन्यवाद का मतलब ये भी होता है कि आगे के लिए और आशीर्वाद मांगना, प्रभु से निवेदन। मैं इस परिवार के लिए विशेष करके मेरे पूर्वज भाइयों के साथ वर्चर के साथ हमारे दो ब्रदर भी हैं, दीपन और सुमन, और आप सभी उनके दोस्त, उन
रिश्तेदार आप लोगों के साथ ये बलिदान उनके लिए इस परिवार के लिए उत्तम। प्रभु यीशु ही इस घर में निवास करे। सब वरदानों की जरूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान जो प्रभु हमें कर सकता है अपना आनंद, अपनी शांति और अपनी स्वास्थ्य, और यही वरदानों के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया के चीज आते हैं जाते हैं, लेकिन जो प्रभु से आते हैं वरदान, वो वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ साथ भी उनके संसार उनके दुनिया के जो आवश्यकताएं हैं ये प्रभु पूरा करते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना।
हे ईश्वर, तेरे ही विधान से हर परिवार की नींव पक्की होती है। एक्का परिवार के अपने भक्तों की प्रार्थना सुन ले और ऐसी कृपा कर कि हम पारिवारिक सद्गुणों और प्रेमपूर्ण सेवा द्वारा उस परिवार के अनुसरण करें जिसमें तेरे इकलौते पुत्र का जन्म और लालन पालन हुआ था। इस प्रकार हम तेरे स्वर्गीय परिवार में अनंत आनंद भोग सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 18वां सप्ताह, संत योहान फ्रांसिस्का दी चंताल। पहला पाठ, विधि विवरण, अध्याय 6, पद संख्या 4-13 तक। मूसा ने लोगों से कहा, इसराइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठे या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहां बड़े और भव्य नगर हैं, जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहां के घर कीमती चीजों से भरे हैं, जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहां पानी के कुंड हैं, जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहां दाखवारियां और जैतून के पेड़ हैं, जिन्हें तुमने नहीं लगाया, जब तुम वहां खाकर तृप्त हो जाओगे। जो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और
ईसा और उनके शिष्य जन समूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अवधूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब इकट्ठे हुए हैं आज इस एकता परिवार के खुशी में भाग लेने के लिए। और जैसे मैं बोल चुका हूं, सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद सिर्फ प्रभु से आता है। सबसे बड़ा वरदान सिर्फ प्रभु से ही आता है। और आज के जो दो पाठ है, हम इस अवसर पे चुने नहीं है, ये आज के कलीसिया के, यदि आज लोग आप गिरजा में जाते थे मिसा के लिए, यही पाठ सुनते थे, तो आज के पाठ और बहुत सुंदर पाठ है। जब हम एक नया घर का उद्घाटन करते हैं, एक नया आवास में प्रवेश करते हैं, पहले पाठ में जो प्रभु ने इज़राइल प्रजा तभी ही बन रही थी इज़राइल की, और उनको बनाते बनाते प्रभु उनको आदेश देते जाता है। हम 10 आदेशों के बारे जानते हैं, लेकिन उससे बड़ा आदेश आज का जो आदेश दिया हुआ है, अपने शरीर से, पूरे शरीर से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से प्रभु की का प्रेम। यदि प्रभु का प्रेम एक आवास में होगा, यदि प्रभु का प्रेम एक परिवार में होगा, यदि प्रभु का प्रेम एक निवास में होगा, तब सब कुछ ठीक चलेगा। जब हम यह मानते हैं कि हमारा जो कुछ आता है वो प्रभु से ही आता है, जैसे आज के पाठ में हमें बोला जाता है, जहां आपने बोया नहीं है वहां से आप लोग काटे। इस दुनिया की तो सृष्टि हम किया ही नहीं, और जैसा प्रभु ही पवित्र वचन में, बाइबल में हमें बोलता है
यदि प्रभु आप लोगों के साथ नहीं होता है तो घर कभी नहीं बन सकता। आज एक्का परिवार प्रभु को धन्यवाद देती है, लेकिन हम प्रभु पर एक्का परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इसलिए क्योंकि एक विश्वास भरी परिवार है। और ये हमें दूसरे पार्ट में सुसमाचार में प्रभु बताता है किस तरह शैतान किसी का कब्जा किया है बच्चा का, शिष्यों के पास इतना विश्वास नहीं उसको हटाने के लिए, लेकिन जब प्रभु उसको बताता है हट जा, हट जा और बच्चा के मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहन, सबके लिए, एक का परिवार के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए। हमारे घर में प्रभु होगा तो शैतान कभी प्रवेश नहीं करेगा, कभी नहीं आएगा, डर के भागेगा। जिस दिन हम दूसरे चीजों पे हम हमारा ध्यान देते हैं, प्रभु को दूर रखते हैं, तब शैतान को हम दरवाजा खोलते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है आप सबों के लिए, सभी परिवार जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि आप प्रभु को हमारे बीच में रखें, कि प्रभु की हम पूरे शरीर से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से प्यार करें, और वही विश्वास के साथ हम जीते रहेंगे, तब सभी वरदानों प्रभु से हमें। मेरी व्यक्तिगत जीवन का भी अनुभव है, जितने बार मैं प्रभु को के संपर्क में रहता हूँ सब कुछ ठीक जाता है, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक चलता है और प्रभु थोड़ा सा भूल जाता हूँ, ज्यादा नहीं भूलता, थोड़ा सा भी भूल जाता हूँ, तुरंत पता होता है कुछ ना कुछ करता हूँ। और आप लोग भी यही महसूस करेंगे जितने प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ जिंदगी में सब सुख सुख सुखी होता है, प्रभु के संपर्क होते हुए भी दुख आएगा, लेकिन जितने प्रभु के साथ रहते हैं उतना ही प्रभु का आशीर्वाद आता है। इस घर के उद्घाटन के समय अनुपम अनुपम कौन है, कहाँ है, ठीक है, उसके उसका जन्मदिन है ना, ठीक है, उसका जन्मदिन मनाते हैं, तब हम आप लोगों को प्रभु से आशीष कि इस घर पे प्रभु अपनी आशीष आशीर्वाद बरसाते रहे, अपने वरदानों से भर दे और आप लोगों को वही शक्ति दे दे प्रभु का प्यार करने का, और विशेष करके गरीबों का जिसको जरूरत है उनको प्यार। आप सबों को प्रभु के आशीष मांगते हुए हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जब रफाएल का और शांति श्रीवंती का अपने इस नए घर में प्रभु की आशीष की कामना करते हैं और उत्तम अनुपमा अपना जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर आइए हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखें और एक साथ कहें या गाएं। हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मार्कनेस,
के लिए हम प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के सेवा कार्यों को सफलतापूर्वक करने पावे, साथ ही साथ पिता ईश्वर उनको अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पुरोहितों को पवित्र कर और उन्हें अपनी आशीष प्रदान कर, उनके मन में पुरोहिताई के उच्च विचारों को उत्पन्न कर और उनके जीवन में पुरोहित की सद्गुणों की प्रखर आभा अलौकिक होने दे, ताकि वे वास्तविक रूप से दूसरा ख्रीस्त बन सके, इसके लिए हम निवेदन करें। विशेष रूप से इस नए घर एवं एक्का परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। पिता, तू उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख, उन्हें और इस नए घर को हर प्रकार के छल प्रपंचों से बचाए रख, परिवार में शांति और एकता बनाए रखने की कृपा कर, ताकि मेल मिलाप का जीवन जीकर आपकी ही सेवा में तत्पर रहें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। मणिपुर में लोगों के लिए जल्द से जल्द शांति व्यवस्था लागू हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने कर्मों वचनों द्वारा प्रभु यीशु के ईश्वरता को विश्वास की सच्चाई के रूप में प्रमाणित करें और प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलकर सच्चा क्रिश्चियन बनने में सक्षम हो पाए, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रभु उन्हें प्रज्ञा एवं विवेक से भर दे, ताकि बंजिल पाने में समर्थ हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जो पाप एवं अहंकार में जी रहे हैं, दुख एवं निराशा उनके जीवन को घेरे हुए है, उन्हें ईश्वर ज्ञान एवं सद्बुद्धि दे, ताकि उन्हें प्रभु का प्यार को पहचान पाने में मदद मिले, इसके लिए हम निवेदन करें। अच्छी पैदावार हो
जिससे हम तृप्त होकर ईश्वर की स्तुति एवं महिमा कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। लाचार हैं, प्रभु उनमें प्रेम और आशा का संचार करें ताकि वे जल्द स्वस्थ होकर ईश्वर की महिमा कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से हम निवेदन करें। कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिस संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाओं पूरे करते रहे और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा ने शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। हे प्रभु, प्रायश्चित का यह बलि चढ़ाते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा एकता का घर को अपनी कृपा और शांति से बनाए रख, हमारी विनय सुन, हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आया 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 आया।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मानव का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर पावन स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, हमारे धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ए प्रभु, एक्का परिवार के सभी सेविका और सेवकों को की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रार्थना करेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का हर पाप लेता है। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। परम प्रसाद वितरण का समय है। आप सबों से निवेदन है कि यह क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए केवल है। अगर आप इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, अगर आप दूसरे समुदाय से हैं, तो मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप इस परम प्रसाद को ग्रहण ना करें। आप अपने ही जगह में रह करके ईश्वर से प्रार्थना करें।
दयालु पिता, तूने हमें स्वर्ग की भोजन से तृप्त किया है। यह कृपा कर कि हम सदा तेरे छोटे पुत्र के पावन परिवार का उदाहरण अपनाए तथा इस संसार के कष्टों से मुक्त होकर उसी परिवार के साथ अनंत काल तक निवास करें। हम यह वर मांगते हैं अपने प्रभु के द्वारा। हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह कृपा पूर्वक इस जल को आशीष दे। बपतिस्मा की याद दिलाने के लिए हम पर छिड़का जाएगा। इस तरह प्रभु हमारा नव कर दे, जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसे प्रति हम सदा ईमानदार रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया, यहाँ तक कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और हम आनंद जीवन प्राप्त कर सके। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस जल को आशीष देने की कृपा। आज प्रभु के दिन हम आशीष के जल के प्रभाव से तेरी विशेष सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रभु, आशीष के इस जल द्वारा हमारे हृदय में नव जीवन का झरना प्रवाहित कर और शरीर तथा आत्मा की हर बुराई से हमें बचा। इस बांधी हम पवित्र बनकर तेरे निकट पहुँचे और तेरे मुक्ति की प्राप्ति के योग्य बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। ये सब शक्ति मनीश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से एलियस नबी ने यूरिका एरिको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए धरती के सब प्यास विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करते रहे। यह वर्दे हमारे प्रभु के द्वारा। कोई ताली बजा दीजिएगा। Thank you.
उत्पन्न करे आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया Thank you.
तो हम सबों ने आपको धन्यवाद स्वरूप एक भक्ति गीत स्वागत गान के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन, जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन, ये सोने दूर के लाया मेरी जीवन को, मसीने दूर के लाया, ये सोने दूर के लाया करके। तो चलिए शुरू करते हैं।
इसका बटन छोटे का